लाइन लगाया जा रहा है क्यू कॉम्प्लेक्स से लाइन जो है लगने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है किस प्रकार से टप कर जो है एक साइड से दूसरे साइड जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालु इस प्रकार से बहुत मशक्कत के बाद जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। कैसे आप सब, उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुछ ही दिनों में जो है महाशिवरात्रि आने वाला है और अभी बहुत ज़्यादा जो है मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। जब आप लोग जब अभी पूजा करने के लिए आएंगे, आना चाहते हैं, तो किस प्रकार से जो है आपको लाइन लगनी पड़ेगी, किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, सारा कुछ आज आपको शेयर करेंगे ब्लॉग के माध्यम से। तो आप लोग आज के ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है आप लोग बाबा भोलेनाथ धाम मंदिर का जो है आप लोग दर्शन कीजिए। देख सकते हैं बाबा भोलेनाथ का इधर मंदिर है और इधर गठबंधन किए हुए जो है इधर मैया पार्वती का मंदिर आप लोग दर्शन कीजिए। और देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बहुत सारे जो है गठबंधन भी आज बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूजा करने के लिए अभी जो आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं उनको कैसे लाइन लगना पड़ेगा, सारा कुछ जो है आज आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा प्रांगण का जो दृश्य है कैसा है, बहुत ज़्यादा संख्या में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। देख सकते हैं, चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कि जो है यहाँ पर लाइन किस प्रकार से जो है लगा जा रहा है, कहाँ से लाइन लगनी पड़ेगी। और देख सकते हैं जो लाइन जो है आज का जो लाइन लगाया जा रहा है क्यू कॉम्प्लेक्स से लाइन जो है लगने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु देख सकते हैं जल संकल्प करवा के जो है क्यू कॉम्प्लेक्स से जो है लाइन लगाया जा रहा है। देख सकते हैं मानसरोवर का जो गेट है वहाँ पर जो लाइन को मतलब जो गेट है लॉक कर दिया गया है, यानी कि अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी अभी आएंगे, वो इधर से जो है लाइन लगेंगे पूजा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरा आपको दिखाते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, ये है क्यू कॉम्प्लेक्स जो मतलब सीधा लाइन जो है, अभी भीड़ नहीं है फिर भी लाइन को थोड़ा घुमाया जा रहा है, वो इसीलिए कि आगे चल के जो है शायद भीड़ बहुत ज्यादा है ब्रिज में, ठीक है। तो लाइन को कंट्रोल करने के लिए जो है, भीड़ को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है मतलब इतना घुमाया जा रहा है। मानसरोवर का जो गेट है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिये इधर से जनरली लाइन जो है ऐसे इधर से चढ़ाया जाता है, अभी यहाँ पर ताला लॉक है। और देख सकते हैं आप सभी को दिखा रहे हैं इधर से जो है श्रद्धालु लोग बनो जो पहुंचे हुए हैं इधर से लाइन लगने के लिए, जो इस प्रकार से जा रहे हैं क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए ही जो है लाइन लग के जा रहे हैं। और अभी आपको उधर का भीड़ भी दिखाएंगे। देखिए अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इधर से लाइन लगने के लिए जो है सभी श्रद्धालु जो है जा रहे हैं क्यू कॉम्प्लेक्स से होकर जो है लाइन लगना पड़ रहा है। चलिए आगे का भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ना, देखिए कैसे दौड़ के जो है सभी लोग इस प्रकार से इकट्ठा हो गया है भीड़, और जो है मानसरोवर के पास जो है लाइन लगने के लिए जा रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। उधर मानसरोवर का देख सकते हैं गेट है और बस जस्ट नीचे से ही जो है लाइन लगने के लिए इधर से आपको जाना है। देख सकते हैं इधर क्यू कॉम्प्लेक्स का ये जो है रास्ता आपको दिखा दे रहे हैं। इधर से अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो मानसरोवर का जो है गेट है वो बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उनको इधर से लाइन लगने के लिए जाया जाता है, लाइन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आगे जाके जो है भीड़ इकट्ठा हो जाता है इसीलिए। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं सरदार पंडा द्वार के पास, और ये जो आप ओवरब्रिज दिख रहे हैं इसमें जो आपको जो है बीच बीच में श्रद्धालु जो आपको दिख रहे होंगे, तो मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ पर देखिए पूरा फांका ही है, लेकिन जो है लाइन को कंट्रोल करने के लिए जो दूरी को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे चल के जो है भीड़ बहुत ज्यादा जो है लगता हो चुका है। चलिए अभी चलते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से आगे भीड़ कैसा है, कैसे लाइन लगना पड़ेगा आपको। भीड़ देख सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इधर से इसलिए जो है सिख दर्शन लाइन में भी जो है भीड़ बढ़ने लगा है, क्योंकि जब जनरल लाइन में भीड़ जब बहुत ज़्यादा होती है तो सिख दर्शन लाइन में भी भीड़ जो है बढ़ने लगता है। तो देख सकते हैं इधर भी पूरा लाइन लगने के लिए जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अभी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों पश्चिम द्वार के पास, देख सकते हैं लाइन जो ऊपर से लाइन मुड़कर जो आते हैं वो आपको दिखा रहे हैं, और कैसा भीड़ है वो आप देख सकते हैं। वहां से मैंने अभी आपको लाइन दिखाया किस प्रकार से श्रद्धालु लोग लाइन लग रहे हैं और कितना को घुमाया जा रहा है, क्यों घुमाया जा रहा है, ये आपको देखने से भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जाकर जो भीड़ मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, दम घुटने वाली भीड़ होती है। और
और जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, आज का जो भीड़ का जो है वो कोई ठिकाना ही नहीं है। और अभी का जो टाइम जो हो रहा है बहुत आश्चर्य होगा सुनने में आप सभी को कि लगभग जो है 2:45 से 3:30 का जो है शाम का टाइम जो हो रहा है, समय हो रहा है। और देख सकते हैं इस टाइम में भी इतना ज्यादा भीड़ है। देखिए श्रद्धालु जो है किस प्रकार से टप कर जो है एक साइड से दूसरे साइड जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं संस्कार मंडप का ऊपर का जो है फ्लोर है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। नीचे का फ्लोर तो पूरा ऐसे ही भरा हुआ है और दोनों ही फ्लोर में उनको जो है घूमना पड़ रहा है। तो ऐसी ही जो परिस्थितियों का जो है सामना आप सभी को भी करना पड़ेगा। और हाँ, कभी कभी जो है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और उधर से लाइन से जो है घूमते हुए इस प्रकार से जो है श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। और इधर का भी लाइन की स्थिति आप देख ही सकते हैं, पूरा प्रांगण का भीड़ और ऊपर का जो पूरा लाइन आपको दिखा रहे हैं कैसे जो है इस टाइम में भी जो है 3 बजे के लगभग का टाइम जो हो रहा है, इस टाइम में भी जो श्रद्धालु को कितनी मशक्कत करना पड़ रहा है बाबा भोलेनाथ को जो है जलार्पण करने के लिए। देख ही सकते हैं और देख सकते हैं इधर ऊपर का जो पूरा ब्रिज लाइन लगते हुए इस प्रकार से जो श्रद्धालु लाइन लगते हुए जो है बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इधर का पूरा जो है हर हर महादेव बोलों का नारा लगाते हुए श्रद्धालु लोग जो है लाइन बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है श्रद्धालु इस प्रकार से बहुत मशक्कत के बाद जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाबा मंदिर के गर्भगृह में जो है प्रवेश करते हैं यहाँ पर, और कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ है अभी सामने से पूरा अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए श्रद्धालु लोग जो है लगातार जो है इस प्रकार से जो है लाइन लगकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। और ऐसे ही आप सभी को भी मशक्कत जो है करनी पड़ सकती है अभी फिलहाल जब आप लोग पूजा करने के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में आज भीड़ है देख सकते हैं। और ये कुछ आप देख सकते हैं निकास द्वार के पास का मैं आपको दिखा रही हूँ कि श्रद्धालु लोग जब जलार्पण करने के बाद निकलते हैं बहुत मशक्कत करना पड़ा होगा इनको। देख सकते हैं इस प्रकार से जो श्रद्धालुओं की आंखों में जो खुशी दिखती है, चेहरे भी खुशी दिखती है पूजा करने के बाद, क्योंकि बहुत मशक्कत के बाद जो है बाबा भोलेनाथ को जो है जलार्पण कर पाते हैं। देख सकते हैं मैया पार्वती के मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए सामने से ही जा रहे हैं। जलार्पण करने के बाद यहाँ पर जो है कुंड है, यहाँ पर धूप अगरबत्ती दिखाते हैं श्रद्धालु लोग। और ये कुछ प्रांगण का अभी पूरा दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए। और आज के ब्लॉग में दोस्तों मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि किस प्रकार से जो है शिवरात्रि से पहले यहाँ पर पूजा करने के लिए अभी लाइन जो है लगनी पड़ रही है, कहाँ से लाइन लग रही है सारा कुछ मैंने अभी आपको दिखाया। किस प्रकार से जो है देख सकते हैं कि प्रांगण में भीड़ भी जो है देखने को मिल रहा है, बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो मान के चलिए अगर आप यहाँ पर पूजा करने के लिए आना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे का जो है समय लग सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो ब्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।